हर कोई अपने व्यू पॉइंट दे रहा है और हर कोई अपने रिएक्शन दे रहा है। अरे जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं और इस करके व्यूज़ और सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा गेन किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल बेचारा मूवी ट्रेलर के बारे में। और सच में यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या बात करूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं दिल बेचारा मूवी के ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ तो उसके ऊपर अपने रिएक्शन वीडियो जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं, अपने रिव्यू जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी इस रेस में शामिल होता हूँ और सब्सक्राइबर गेन करता हूँ, व्यूज़ छापता हूँ, क्योंकि हर कोई यही तो कर रहा है। अब भले ही झूठ मूठ का रोना क्यों ना पड़े, बेशक मैं रो लूंगा यार, आखिर सब्सक्राइबर जो गेन करने, अब भले ही झूठ मूठ का मुझे लोगों के सामने दिखाने के लिए झूठी तारीफ ही क्यों ना करनी पड़े, बेशक कर लूंगा यार, आखिर सब्सक्राइबर जो गेन करने हैं। अब जरा तुम बताओ यार मैं क्या बात करूं इस ट्रेलर के बारे में। जो ट्रेलर तुम्हारे लिए फ्री है वो मेरे लिए फ्री है। ये तो है नहीं कि जो यूट्यूबर हैं उनके लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाती है या उन्हें अलग से कोई ट्रेलर दिखाया जाता है। अब देखो यार मेरे इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, बड़े जो यूट्यूबर हैं उनको अलग से कोई वीडियो अपलोड कोई वीडियो मिलती होगी जो मूवी के ट्रेलर आते हैं उनकी तरफ से कि भाई तुम्हें ये वीडियो देते हैं तुम इसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट रखो वहां पर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। बट जो तुम्हारे लिए फ्री है वो मेरे लिए फ्री है। अब कोई मरा मुझे क्या यार, मुझे तो वीडियो बनाने से मतलब है, मुझे तो सब्सक्राइबर गेन करने से मतलब है, मुझे तो व्यूज लाने से मतलब है। यही तो आज की सच्चाई है, यही तो लोगों की असलियत है। अब तुम्हें क्या पता कैमरे के सामने कैसा इंसान बैठा है, उसकी असलियत क्या है। वैसे देखा जाए तो यार तुम लोग ही तो बेवकूफ हो जिनसे देशभक्ति के नाम पर बैन चाइना प्रोडक्ट ट्रेंड करवा लो या फिर नेपोटिज्म के खिलाफ बैन करण जौहर बैन धर्मा प्रोडक्शन ये सब बैन कर ट्रेंड करवा लो। असलियत में देखे तो यार तुम ही तो वो लोग हो जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हो और तुम ही बेवकूफ लोगों की वजह से ये जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं व्यूज और सब्सक्राइबर कमा रहे हैं ये तुम लोगों की तो देन है। तुम लोगों की वजह से ही तुम लोग इनकी वीडियोस को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो इनके चैनल को और शेयर करते हो। अरे तुम ही तो वो हो महान जनता जिसकी वजह से आज ये सब चीज़ें चल रही हैं, आज ये सब चीज़ें ट्रेंड में हैं। तुम ही तो लोगों के लिए ये हम जैसे यूट्यूबर जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं ताकि सब्सक्राइबर गेन कर सकें, व्यूज़ कमा सकें, सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारी देन है। वार है मेरे देश की जनता। और ये 1 मिलियन लोग कौन हैं जिन्होंने रिएक्शन देखा है सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए एक फॉरनर कैसे रिएक्ट करेगा सुशांत सिंह राजपूत की मूवी के ट्रेलर के ऊपर, दिल बेचारा मूवी के ट्रेलर के ऊपर वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग कौन है यार सच में इस देश में, ये पक्के तौर पर ये 10 लाख लोग आईक्यूलेस घूम रहे हैं। और हकीकत तो ये है कि आज भी तुम लोगों को नहीं पता कि टैलेंट क्या है, तुम्हें सच में नहीं पता कि किसे सपोर्ट करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को जैसे चाहे वैसे तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा सकता है क्योंकि तुम लोग इतने आलसी हो गए हो कि तुमसे खुद से सोचा तक नहीं जाता। कितने लोग थे जो सुशांत सिंह की जब मूवी आती थी वो थिएटर में देख कर आते थे, वो इंसान जब अपनी मूवी के रिलीज के होने से पहले ट्वीट कर करके लोगों को कहता था कि उसकी मूवी जो है वो थिएटर में जाकर देखो, अगर तुम लोगों ने उसे थिएटर में नहीं देखा तो उसे बॉलीवुड से निकाल दिया जाएगा। तब तुम कहाँ थे, आज जब जहाँ पर तुम लोग जो उसकी मूवी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, उसकी मूवी का ट्रेलर जब आया है तब तुम उसके ट्रेलर को धड़ल्ले से लाइक किए जा रहे हो, जो भी उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है उसके ऊपर तुम धड़ल्ले से लाइक किए जा रहे हो, जो भी उसके ऊपर रिव्यू दे रहा है तुम उसके ऊपर धड़ल्ले से लाइक किए जा रहे हो। अब तुम्हें बड़ी उस पर सिंपैथी नजर आ रही है कि भी हाँ यार इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट था, तब तुम लोग कहां गए थे। वैसे एक बात है कि इस देश की जनता इतनी ज्यादा भावुक है, उस भावुक के नाम पर उनसे कुछ भी ट्रेंड करवा लो, कुछ भी उनसे सब्सक्राइब, कुछ भी कितने भी चाहे उनसे व्यूज ले लो, अरे तुम भावुक बनो बट गधे मत बनो। वैसे मुझे गधे की जगह एक वर्ड यूज करना था बट क्या करूं यार, तुम जैसे लोगों के लिए मुझे अपनी जबान भी खराब नहीं करनी। अब उन लोगों को भी एक जवाब दे दूं कि जो ये बोलें कि भाई यार तू भी तो यहाँ पर व्यूज और सब्सक्राइबर कमाने के लिए आया। हाँ बेशक आया हूँ, मैंने तो स्टार्टिंग में कह दिया था भाई मुझे क्या फायदा, मुझे क्या लेना देना, भले ही कोई मरे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो यार ऐसी वीडियोस बनानी है जिससे मेरा फायदा हो, मुझे सब्सक्राइबर मिले, मुझे व्यूज मिले। यही तो आज के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई मर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनको बस मतलब इस चीज से कि आज की डेट में
टॉपिक कौन सा ट्रेंड में चल रहा है उसको उठाएंगे, वो भावुक ज़्यादा है, लोगों के सेंटिमेंट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उनकी फीलिंग उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो उस पर वो वीडियो बनाएंगे। बेशक बनाएंगे यार, इतनी बड़ी गधी जनता भारत में जो बैठी है, आखिर उनसे सब्सक्राइबर और व्यूज़ तो लेने ही है, तो मैं क्यों ना लूँ यार, मेरा भी तो हक बनता है। नहीं बनता, जो फॉरनर्स ले सकते हैं, मैं तो इस देश का ही हूँ यार, मैं तो बन ले ही सकता हूँ, सब्सक्राइबर और व्यूज़ थोड़े बहुत तो छाप ही सकता हूँ, ये सब तुम लोगों की वजह से ही बनना पड़ रहा है, समझ रहे हो। टिटू बंद कर यार, बहुत हो गया।